जॉब लेने के लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, इससे आपकी टेस्टिंग होती है जापनीज लैंग्वेज की भी, सिर्फ जापनीज लैंग्वेज की नहीं बल्कि जापनीज थोड़ा बहुत जापनीज कल्चर की भी, और इसके साथ साथ आपकी टेस्टिंग होती है एनालिटिकल स्किल्स की, यानी कि आपके अंदर स्किल्स हैं या नहीं है कि आप उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं या नहीं सकते। देखिए इंग्लिश बोलते हुए भी आपकी जो जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन में रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश के लेवल के हिसाब से होती है, लेकिन जापनीज लैंग्वेज में इतना ज़्यादा लैंग्वेज लेवल तो नहीं मांगा जाता है, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन के हिसाब से संभाल पाएँ क्लाइंट के क्वेश्चन को, क्लाइंट के आंसर को, ये सब चीज़ों के मद्देनज़र इंटरव्यू के क्वेश्चंस कंडक्ट होते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ एडवांस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, जो कि आपको इंटरव्यू के अंदर बहुत हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बनाया है, जैसे जिको शोकाई वगैरह के ये वीडियोस हैं, इनको भी आप देखिए, और इस तरह के जो वीडियोस हैं इनको भी आप देखिए, जिसमें मैंने आपको जापनीज लैंग्वेज में एडवांस क्वेश्चंस के क्या आंसर्स होते हैं सिखाए हुए हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट कवर करने वाले हैं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो इंडिया के अंदर इंटरव्यू हो या फिर आपका जापान के अंदर इंटरव्यू हो जापानीज लैंग्वेज के लिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिको शोकाई, जिसका मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये तो कई बार मैंने आपको सिखाया हुआ है, कई वीडियोज़ भी बने हुए हैं इसके ऊपर, आप यूट्यूब पर और भी अच्छा सीख सकते हैं, अपना कस्टमाइज सेल्फ इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। लेकिन आज जो ये वीडियो मैंने आपको बताने के लिए बनाया है वो है थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट, वो है शिबोदोकी। शिबोदोकी का मतलब होता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। देखिए शिबो का मतलब होता है योर प्रेफरेंस, योर लाइकिंग, योर विश, योर डिजायर, और दोकी का मतलब होता है मोटिव। तो आपकी जो ये डिजायर है इसका मोटिव क्या है। अगर शिबोदोकी एग्जैक्टली वो नहीं पूछते तो भी वो किस तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, नाजे कोनो काइशा ने हैरिताइनो दिस का, कोनो काइशा वो सेंतक शुरू मोकुते की वनान दिस का, यानी कि सेंतक मतलब सिलेक्शन और मोकुते की मतलब टारगेट, मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है इस कंपनी को चूज करने का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो ध्यान रखिए जापनीज कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन मैच करता है और काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आप इसी की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो इसमें काफ़ी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मान लीजिए अगर आप ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कस्टमाइज आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, मेरे को एक्सपर्टीज़ है, मुझे जापनीज़ लैंग्वेज जब मैंने सीखी है तो उसमें स्कोप काफ़ी अच्छा होता है, मैकेनिकल फैक्ट्रीज़ वगैरह वर्क, जो मैकेनिकल वर्क्स होते हैं उनके अंदर, इसलिए ये मेरा रीज़न है कंपनी ज्वाइन करने का। दूसरी बात है उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से पता लगा के जाइए। जैसे पहले अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल की, तो जैसे मान लीजिए सुजुकी, मित्सुबिशी, इन सब कंपनीज़ के बारे में आप अच्छी तरह से सर्च करके जाइए कि इनका कहाँ कहाँ पर बिजनेस है, इंडिया में, जापान में कहाँ कहाँ पर बिजनेस है, हब ब्रांच कौन सी है, प्रेसिडेंट कौन है, शाचो जिसको कहते हैं वो कौन है, सीईओ कौन है। ये सब चीज़ें अगर जापनीज़ आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो वो ज़रूर पूछेगा। अगर इंडियन आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो शिबोदोकी के अंदर सबसे मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ यही आती है। अब अगर आप मान लीजिए आईटी कंपनी के अंदर या फिर किसी दूसरी इंडस्ट्री में जो कि ऑटोमोबाइल से हटके है में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सिमिलरली आपसे शिबोदोकी पूछा जा सकता है और आपसे आपका विजन भी पूछा जा सकता है, जो कि इस कंपनी में आप किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक तरह से शिबोदोकी को आप कॉन्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन के हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इनको दोनों को अलग अलग करके प्रिपेयर कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए भी आप ऐसे नहीं कि कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन आपको प्रिपेयर होना चाहिए। मेरा जो पूरा पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उस कंपनी का किस तरह का बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल में आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आपने अभी तक की जो एक्सपर्टीज़ करी है क्या वो उसके बिजनेस मॉडल से मैच करती है, और अगर मैच करती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा। लेकिन सारी बात आती है कि इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से जापनीज़ लैंग्वेज में बोल पाएँ, जापनीज़ लैंग्वेज में कन्वे कर पाएँ। तो उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो बोलना तो बहुत तेज़ी से शुरू कर देते हैं लेकिन आगे जाके उनको कंटेंट ख़राब हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि मुझे बोलना कहाँ था, या फिर भूल जाते हैं कि मैंने शुरू कहाँ से किया था और ख़त्म कहाँ से करना था। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रोबोटिक लगेगा, थोड़ा सा नकली लगेगा, लेकिन सीरियसली मैं कहना चाहता हूँ अगर आप 3-4-5 लाइनें जो कि मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको सैम्पल भी करके दिखाया था को प्रिपेयर करके जाएंगे तो शिबोदोकी, कंट्रीब्यूशन और नाजे कोनो काइशा ने हतारा के ताइनो दिस का, ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाएंगे और आपको इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम उस क्वेश्चन की जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस रखता है आपके इंटरव्यू में आने के लिए। मैं कहूँगा 90% चांसेस है ये इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाएगा। अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपने अभी तक क्या किया है।
चाहे अगर आपने एक्सपीरियंस बिल्कुल भी गेन नहीं किया है, आप अगर फ्रेशर के तौर पे जा रहे हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन पे नो नहीं बोलना या फिर ये नहीं बोलना कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप ये ज़रूर ज़रूर बोल सकते हैं कि हालांकि मुझे ऑफिशियली परमानेंट जॉब करने का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे जापनीज से बात करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं जानता हूँ ये जो जॉब है वो ज़्यादातर जापनीज लैंग्वेज की स्पोकन रिक्वायरमेंट की मतलब की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो वो भी उसमें भी आप बता सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ मेरी क्या है कि जब मैंने जापनीज लैंग्वेज पढ़ी है चाहे वो कहीं से भी पढ़ी हो। देखिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमारे प्रोफेशन में अगर आपने जैसे जापनीज लैंग्वेज की बात करें तो आपने कहीं से भी जापनीज लैंग्वेज सीखी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीखी हो, आपने JNU से जापनीज लैंग्वेज सीखी हो, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कहीं से भी कोई भी इंस्टीट्यूट से सीखी हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या आपने खुद से घर से सीखी है, किसी प्राइवेट ट्यूटर से सीखी है, सबसे अच्छी बात यह होती है कि जापनीज लैंग्वेज का सबसे बड़ा ये बेनिफिट है, सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें अगर आपका कहीं पर एंट्रेंस नहीं हुआ, कोई प्रोफेशनल कॉलेज आपने नहीं ज्वाइन कर पाए तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक यूनानिमस टेस्ट होता है, आपको पता ही है, जिसको कहते हैं JLPT जापनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, चाहे मैंने कहीं से भी जापनीज सीखी है, लेकिन आप उस एक्सपीरियंस को टेस्ट कर सकते हैं, मुझे स्पोकन एबिलिटीज़ और रिटन एबिलिटीज़ का एक्सपीरियंस है, तो ये भी काम करता है। लेकिन वो सच में होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूअर सच में आपकी एबिलिटी चेक कर लेता है। तो अच्छी बात यह है कि आपको किसी बड़े बड़े सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, हाँ JLPT की ज़रूरत होती है, और लेकिन आपको इसमें इस प्रोफेशन में इस फील्ड में ज़्यादातर केसेस में आपको सिर्फ एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है स्पोकन एबिलिटी और रीडिंग एबिलिटी। हाँ जी, रिटन एबिलिटी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हाथ से लिख के कोई भी कांजी वगैरह आपको नहीं लिखनी है। आपसे सिर्फ जो भी अगर इंटरव्यू भी है तो वो भी ज़्यादातर PC पर कांजी लिखवाएंगे, वो टाइप करके आपको कांजी अपने आप आ जाएगी। तो एनीवेज मेरे कहने का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस मत खोइए, अगर आपको जापनीज लैंग्वेज में बेसिक आता है तो आप इस चीज़ को मोटिवेशन रख के चलिए कि मुझे अगर एडवांस में अपने आप ही मैं सीखूं किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी व्यक्ति से, या फिर किसी होम ट्यूटर से, या फिर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके सीखूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना है। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो भी मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, इस वीडियो को भी पूरी तरह से रेफ़र कीजिए, आपको इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।